वनों का उपयोग और संरक्षण। पिछले 150 वर्षों में हमारे देश में वनों की बेतहाशा कटाई हुई है, जिसके फलस्वरूप आज केवल 23% भूमि पर वन बचे हैं। ये वन भी संभवतः पर्याप्त रूप से घने नहीं हैं। इसके कई कारण रहे हैं। सबसे प्रमुख कारण बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिक विकास है। लकड़ी, बांस आदि की आवश्यकता बढ़ने के कारण बहुत तेजी से वनों को काटा जा रहा है। वन विभाग का एक काम है अवैध कटाई रोकना और एक योजना के तहत बूढ़े पेड़ों को काटना और बेचना, लेकिन लगातार यह दबाव रहा है कि विभाग अधिकतम आमदनी कमाए। वर्ष सन 1980 के आंकड़ों से पता चलता है कि पूरे देश के वन विभागों ने वनोपज बेचकर वन विभाग के सारे खर्च निकालने के बाद देश को 1,54,728 करोड़ रुपयों का फायदा पहुंचाया था। केवल अविभाजित मध्य प्रदेश से 49,509 करोड़ रुपयों का फायदा बताया गया है। इससे हम देख सकते हैं कि हाल तक वनों का व्यावसायिक दोहन किया जाता रहा है। ये तो रही वैध कटाई की बात, इसके अलावा निजी ठेकेदार वनों की बेतहाशा कटाई करते रहते हैं। दूसरा कारण यह रहा है कि हमारी बढ़ती आबादी को पिछले 60 साल के विकास के बाद भी हम वैकल्पिक आजीविका नहीं उपलब्ध करा पाए हैं। परिणाम स्वरूप इस बढ़ती आबादी के पास खेती करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। खेती बढ़ाने का एकमात्र उपाय रहा है वनों को काटना। आमतौर पर यह दबाव उन लोगों पर पड़ा जो सबसे गरीब थे और जिनके पास शिक्षा या और कोई आजीविका का साधन नहीं था। जो लोग खेती करने के लिए साधन नहीं जुटा पाए, वे जंगलों में जानवर चराकर गुजारा करने लगे। इसका भी जंगलों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। देश में जो विकास हुआ, वह भी वनों के लिए अक्सर खतरा ही बना। सड़कों व रेल लाइनों के लिए वनों को काटा जाना आम बात है, या फिर बांधों व खदानों के लिए वनों की बलि चढ़ाई गई। इन सब का अंजाम यही हुआ कि देश में वनों का अत्यधिक नुकसान हुआ। हमने इस अध्याय की शुरुआत में देखा कि वनों का अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह से उपयोग करते हैं। एक और आदिवासी हैं जो सदियों से इन वनों में रहते आए हैं और उनको नुकसान पहुंचाए बिना उनका उपयोग करते आए हैं। जब उन्होंने वनों में खेती भी की तो वे झूम खेती का तरीका अपनाते थे, जिससे खेतों पर कुछ वर्षों के उपयोग के बाद फिर से जंगल को पनपने दिया जाता था। वनों का उपयोग सामूहिक रूप से और नियमों के तहत किया जाता था। आदिवासी जब कभी वनोपज बाजारों में बेचते थे तो वह मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि परिवार के भरण पोषण के लिए था। इससे वनों का अंधाधुंध उपयोग या उसे हानि पहुंचाने का काम नहीं होता था। जब भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ तो वे बड़े पैमाने पर लकड़ी का व्यापार करने लगे और जंगल काटकर खेती करवाने लगे ताकि उनकी आय बढ़े। इससे जंगलों को नुकसान पहुंचा और आदिवासियों के पारंपरिक खेती और वनोपयोग के तरीके अव्यवहारिक होते गए। जंगलों को तेजी से कटते देखकर अंग्रेजी सरकार ने वन विभाग बनाया और वन विभाग ने सारे वनों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। आदिवासी जो पहले सामूहिक रूप से वनों के मालिक थे, अब जंगल में शिकार करने या वनोपज एकत्र करने पर गुनाहगार बनाए गए। अंग्रेज यह कहने लगे कि ये अशिक्षित आदिवासी ही जंगलों का नाश कर रहे हैं और जंगलों को उनसे बचाना होगा।